हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम टू मामा ब्लॉसम। आज का हमारा वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट के ऊपर। इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं या इसे क्लोरोफाइटम के नाम से जाना जाता है। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी बहुत ही कॉमनली देखने में मिलती है। और स्पाइडर प्लांट की खासियत ये है कि आप इसे किसी भी शेप और साइज़ के पॉट में लगा दीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे आप बहुत ही कम केयर और फर्टिलाइज़र के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये देता है। और मेरा ये प्लांट पार्शियल शेड में रहता है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। और इस एक पौधे से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। अगर आप देखेंगे इन्हें एक साथ तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है। अभी मेरे पास हैंग करने के लिए कोई हैंगिंग पॉट नहीं है, कोई डीप हैंगिंग पॉट नहीं है, इस वजह से मैंने इन्हें पॉट में लगाया हुआ है। मैं वेट कर रही हूँ कि कोई अप्रोप्रिएट हैंगिंग पॉट मुझे मिले जिसमें कि मैं इसे लगा सकूँ जो डीप हो। और ये देखिए प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है और इसके जो रनर प्लांट्स हैं वो भी कितने हेल्दी हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप अपने घर में इसे ज़रूर रखें अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो। साथ ही इस पौधे से आप अनगिनत पौधे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। इस प्लांट में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और ये ऑटो पॉलिनेशन से इसमें रनर प्लांट्स डेवलप होते हैं जिसमें कि एरियल रूट्स होती हैं। इन रनर प्लांट्स को आप बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसे पानी में या सॉइल में किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट किया जा सकता है और एक नया पौधा रेडी किया जा सकता है। अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो 2 इंच से लेकर 10 इंच तक के किसी भी तरह के पॉट में इस पौधे को लगाया जा सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि इस पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और मैच्योर होने पे इसकी रूट्स डीपली सॉइल में ग्रो होती हैं, इसे डीप पॉट में लगाना ज़्यादा बेहतर है और हैंगिंग पॉट्स में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रीपॉटिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वाटरिंग इसमें जब भी सॉइल की ऊपरी लेयर अगर आपको ड्राई दिखती है तो आपको इसे वाटरिंग करना है। और जो इसके रनर प्लांट्स हैं इसमें आप वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ये पार्शियल सनलाइट में भी बहुत अच्छा करता है। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो 2 से 3 महीने में भी अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट से बना हुआ किचन कंपोस्ट, तो ये इसके लिए सफिशिएंट होता है। इसमें डिजीज़ एज सच बहुत ज़्यादा डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट इसे रूट रॉट से बचाना होता है। आपका जो पॉट है उसमें प्रॉपरली होल्स होना चाहिए ताकि एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाए। और जनरली अगर हम इसे ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या अंडर वाटरिंग कर रहे हैं तो इसकी लीव्स ब्राउन हो जाएंगी। इसकी लीव कलर से आपको पता पड़ जाएगा कि इस पौधे को पानी की ज़रूरत है या फिर आप इसमें कम पानी डाल रहे हैं। नीम ऑयल का स्प्रे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये डिजीज़ से वैसे भी बचा रहेगा। और पॉट आप जो लें, पॉट सिलेक्शन आप जो करें, उसमें पॉट वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि इसकी जो ट्यूबुलर रूट्स हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं ये ट्यूब शेप की होती हैं, उसे रूट रॉट से बचाया जा सके। बाकी प्रोपोगेशन में ये प्लांट रनर प्लांट्स तो देता ही है। साथ ही अगर आप इसको सॉइल में चेक करेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल प्लांट्स दिखाई देंगे और ये मल्टीपल प्लांट्स आप डिवाइड करके नए पॉट में लगा सकते हैं। बाकी ये बारिश को में अगर आप इसे रख देते हैं तो ये बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इस पौधे को घर पे लाने का रीज़न है कि इससे बहुत ही कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उन पौधों में है जिससे कि बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ, तो बहुत ही कम रख रखाव के साथ अपने घर पे रखा जा सकता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है,
आप इस प्लांट को अपने घर पे लाएं, अपने घर पे लगाएं और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियोस देखिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।